नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कोरोना वायरस के आतंक से देश समेत प्रदेश भर में खौफ का माहौल है। खौफ को देखते हुए कोचिंग सिटी कोटा में भी जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट है। विदेश घूमकर आए नागरिकों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना वायरस के खौफ ने देश भर में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आम लोगों के मन से कोरोना का खौफ निकालने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। कोटा में जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूकता के साथ साथ लोगों की स्क्रीनिंग पर ध्यान दे रही है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने अब तक कुल 85 लोगों को सर्विलांस पर ले रखा है। इनमें 70 लोगों को घर पर ही आइसोलेट कर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है, जबकि 20 लोगों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। कोचिंग सिटी के लिए राहत की बात यह रही कि इन 20 लोगों में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिला। सीनियर प्रोफेसर की अगुवाई में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की रैपिड रिस्पांस टीम संदिग्ध केस मिलते ही तुरंत मरीज के टेस्ट और स्क्रीनिंग का काम करती है। कोटा में जांच की सुविधा नहीं है, लिहाजा जांच के लिए सैंपल जयपुर या झालावाड़ भेजे जा रहे हैं। अस्पतालों में हाथों के दस्ताने, फेस मास्क और कैप और पीपीई किट मौजूद है। हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड्स इंक्रीज किए हैं। 22 जो रूम्स हैं, क्यूबिकल्स, वो हमने डेडिकेट किए हुए कोरोना पेशेंट्स के लिए, और उसके अलावा 12 और आइसोलेशन के क्यूबिकल्स हैं जो हमने डेडिकेट किए हुए हैं स्वाइन फ्लू के लिए। एक हॉस्पिटल है, यस हॉस्पिटल, उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है क्वारंटाइन के लिए, वहाँ पे बेड्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। कोरोना के कहर से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने MBS हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाया है। यहाँ 12 क्यूबिकल वार्ड को कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के लिए और UIT द्वारा बनाए गए 8 नए प्राइवेट वार्ड स्वाइन फ्लू रोगियों के लिए रिजर्व रखा गया है। संक्रमण से बचाव के लिए OPD, IPD समेत वार्डों में मास्क और सैनिटाइजर बंटवाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में अलग से OPD बनाई गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने भी मोर्चा संभाल रखा है। करीब 200 नर्सिंग छात्रों की टीमें गठित कर शहर भर में जागरूकता अभियान छेड़ा गया है। CMHO के निर्देश पर नर्सिंग स्टूडेंट्स की टीमें शहर की कॉलोनियों में घर घर जाकर कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने में जुटी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी विदेशी नागरिक, विदेश घूमकर आने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मतलब साफ है कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सावधानी में ही कोरोना का समाधान है। मुकेश सोनी, जी मीडिया, कोटा। पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना ने भारत को भी अपनी जद में ले लिया है। जी मीडिया की टीम ने जालौर के अस्पतालों का रियलिटी चेक किया कि आखिर ये अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। देखिए, देश भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना के डर ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। जालौर के अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर लिया गया है। जालौर के अस्पताल में सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हमारे यहाँ जितने भी OPD चैम्बर है उसमें सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। इवन जो गेट है उनके जो हैंडल कुंडी, उन सभी को डेली सैनिटाइज करके, और बाकी जितने भी इक्विपमेंट है उनको भी स्टरलाइज करके यूज में किया जा रहा है। अस्पताल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन आम लोगों को जागरूक कर रहा है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। सतर्कता से कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिले के सभी अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोरोना से लड़ने के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें स्पेशल कॉटेज भी है। राजस्थान में अपने इस जिले में कोई पॉजिटिव केस तो नहीं है, लेकिन फिर एहतियात के तौर पर भीड़ भाड़ के इलाके में अपन ना जाएं, और कोई भी मेला है या बस में, ट्रेन में सफर करें तो छींकते समय अपने हाथ में रुमाल रखें। सभी प्रबंध किए गए हैं। जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड 4 पलंग सुरक्षित रखे हुए हैं, और इसमें प्रिवेंटिव मेजर ज्यादा काम में लेने हैं। डॉक्टर मरीजों को किसी स्कूल के बच्चे की तरह कोरोना से सावधानी बरतने की सलाह देते नजर आ रहे हैं।
कोरोना से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने पर कोरोना से लड़ा जा सकता है। बबलू मीना, जी मीडिया, जालौर। कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार कोरोना से लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन बीकानेर के अस्पताल कोरोना से नहीं गंदगी से लड़ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक और संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग करा रहा है, अस्पताल को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं बीकानेर के अस्पताल खुद गंदगी की बीमारी से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में गंदगी को लेकर स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। अस्पताल में गंदगी का आलम यह है कि मरीजों को डर सता रहा है कि कहीं उन्हें कोई दूसरी बीमारी जकड़ न ले। प्रशासन की बेरुखी ने आम लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। कोरोना से लड़ने के लिए बीकानेर के अस्पताल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी एक तरफ कोरोना को लेकर सरकार और विभाग अलर्ट है, तो दूसरी तरफ बीकानेर का प्रशासन सोता नजर आ रहा है। बीकानेर के अंदर हमने 150 टीमें लगा रखी हैं, हाउस टू हाउस, जो सारे हाउस टू हाउस जा रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही हैं। और स्क्रीनिंग करने के बाद यदि कोई आईएल के जो पेशेंट मिल रहे हैं जैसे, तो हमारे को वहीं उनकी रिपोर्ट आ जाती है, वहां पे हम दवाइयां अवेलेबल कर देते हैं हाउस टू हाउस के अंदर। आज और कल यहां पे मेला लगेगा, हजारों की संख्या में लोग यहां दर्शनार्थी आएंगे। चूंकि अभी कोरोना वायरस का क्या है चल रहा है, इसके बचाव के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा सावधानी बरतते हुए यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। आज हमने किया है, कल फिर यहाँ स्प्रे करेंगे ताकि आमजन को भय न रहे और सुरक्षित भी रहे। जहाँ अस्पतालों के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, वहीं कोरोना को लेकर पर्यटन स्थलों के बाद मंदिरों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। शीतला माता मेले को देखते हुए सुबह से मंदिर में साफ सफाई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। चूंकि मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लिहाजा कोरोना के डर से पर्यटन स्थलों के साथ साथ मुख्य बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक तो जरूर कर रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर किए जाने वाले कामों में फिसड्डी साबित दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बीकानेर के अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। दरअसल कोरोना वायरस जिस तरह से पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए लोग अभी यात्रा करने से बच रहे हैं। माउंट आबू में पर्यटन उद्योग पर कितना असर पड़ा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस ने पर्यटन उद्योग के पंख कतर कर रख दिए हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू भी कोरोना के कहर से बच नहीं पाया है। माउंट आबू के नक्की लेक के गांधी वाटिका में सूनापन नजर आ रहा है। आम दिनों में यहां पर पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल बनी रहती थी, लेकिन इस वक्त यहां सैलानियों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। पर्यटकों के अभाव में स्थानीय व्यवसायी आपस में बातचीत कर ही अपना वक्त काट रहे हैं। प्रतिवर्ष के मुकाबले इस वर्ष कुछ ज्यादा ही मंदी का मौसम देखने को मिल रहा है। पहले ही देश में मंदी की मार थी, उसके बाद में अभी ये जो कोरोना वायरस का भी इफेक्ट जो देश भर के अंदर मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, इसके चलते पर्यटकों की भारी कमी आई है माउंट आबू के अंदर। नक्की झील के बोट हाउस पर खड़ी नौकाएं पास के गांधी वाटिका में गिने चुने इक्का दुक्का पर्यटकों की उपस्थिति और रोजमर्रा के काम पर आने जाने वाले लोगों से लेकर बाजार से गायब रौनक यह बताती है कि पर्यटन उद्योग को कितना नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस को लेकर माउंट आबू प्रशासन और सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सचेत हैं और अभी तक माउंट आबू में किसी प्रकार का एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला है कि जिसको कोरोना वायरस से पीड़ित हो। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश से लेकर देश में स्थिति कोई भयावह रूप ले चुकी है। हिंदुस्तान में हालात पूरी तरह से काबू में है, लेकिन एहतियातन सिरोही में भी स्कूल, जिम और आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 मार्च तक के लिए बंद रखा गया है। सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ध्यान रखें सफाई का, अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ हो तो सीएससी हॉस्पिटल में आकर के आप दिखा सकते हैं डॉक्टर्स को, और हम जो भी विदेशी आ रहे हैं उनके ऊपर भी रोपड़ हॉस्पिटल या ज्ञान सरोवर जा करके उनको देख रहे हैं कि कोई किसी तरह के कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज तो नहीं है। वहीं WHO और सरकार की एडवाइजरी को लोग पूरी तरह से मान रहे हैं
और कोरोना वायरस फैले नहीं, इसको लेकर स्थानीय लोग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जलदाय विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सूबे में पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए विभाग ने अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए मंत्री बीडी कल्ला के नेतृत्व में कई योजनाएं बनाई गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मरुधरा पानी की किल्लत से हमेशा परेशान रही है। गर्मी के मौसम में राजस्थान के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में गर्मी का सीजन शुरू होते ही जलदाय विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम पेयजल परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की उच्च स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए विभाग के करीब दर्जन भर चीफ इंजीनियर्स और एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया है। अधिकारी हर महीने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर निरीक्षण करेंगे। साथ ही जलदाय मंत्री और प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव को मासिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जो हमारे सामान्य क्षेत्र थे वहाँ 75% अनुदान मिलता था। मैंने मंत्रियों की जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो केंद्रीय जलदाय विभाग के मंत्री ने ली थी, उनको मैंने जल संसाधन मंत्री को ये अवगत कराया था कि राजस्थान में आधारभूत ढांचे के लिए पैसे बहुत चाहिए। सभी चीफ इंजीनियर्स और एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को निर्देश है कि वो हैंडपंप रिपेयरिंग अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए साइट का दौरा करें, जल परिवहन की व्यवस्था जहां जहां चल रही है उसकी समीक्षा करें, अधिकारियों को ट्यूबवेल और हैंडपंप को समय पर कमीशन करने की व्यवस्था के साथ ही लंबित विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था का जायजा लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। सभी मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता 23 मार्च से अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहां चल रही परियोजनाओं के कार्यों और पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की मौके पर समीक्षा की जाएगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए 1.5 करोड़ का हम लोगों ने इनफैक्ट 1 करोड़ और 50 लाख के दो अलग अलग जगहों पर स्टोरेज सीड लोअर डेवलप करने की बात करी है। और उसके अलावा जो जवाहर सर्किल से निकलकर झालाना के ऊपर एक पंप हाउस हमारा जो परिसर है उसमें बनाने का किया गया है, जिससे हम लोग आगे जो स्कैर्सिटी एरियाज है उनको अच्छी तरह से पानी दे पाएंगे। घर घर कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार सिर्फ 50% राशि ही राज्य सरकार को मुहैया करवा रही है, जबकि पहले की सरकार 70-75% राशि राज्य सरकार को देती थी। इसलिए घर तक पानी पहुँचाने का संकट राज्य सरकार के लिए खड़ा हो गया। हालांकि राज्य सरकार राज्य के बजट से पानी की योजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। गांव में हर घर में पानी, लेकिन उसमें जो अनुदान की राशि है वो पहले से बहुत कम कर दी है। पूर्व में केंद्रीय सरकार जो है राजस्थान में जो भी योजनाएं बनती थी उनमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में 100% अनुदान देती थी, लेकिन अब सरकार ने सारी योजनाओं में 50% अनुदान देने की बात कही है। मतलब साफ है, सरकार और विभाग दोनों ने अभी से पानी की किल्लत दूर करने के लिए कमर कस ली है, ताकि गर्मी के सीजन में सूबे में पानी की किल्लत ना हो। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग के कई अधिकारी घूसखोरी को लेकर एसीबी के रडार पर आए थे। उसके बाद विधानसभा में भी परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर काफी बहस भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी परिवहन विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार की सड़क पर अपनी गाड़ी लगातार दौड़ा रहे हैं। हम आपको उदयपुर का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक परिवहन विभाग का सुरक्षा गार्ड घूसखोरी कर रहा है। अब भी भ्रष्टाचार के पथ पर परिवहन विभाग की गाड़ी। घूस लेते सुरक्षा गार्ड का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में वसूली करता दिख रहा है सुरक्षा गार्ड। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से की जाती है अवैध वसूली। परिवहन विभाग की गाड़ी अब भी भ्रष्टाचार की सड़क पर सरपट दौड़ रही है।
कुछ दिन पहले जब एसीबी ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों पर शिकंजा कसा था, उस वक्त सवाल ये उठा था कि आखिर परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर ब्रेक कैसे लगेगी। सवाल विधानसभा में उठे थे, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि भ्रष्टाचार के पेड़ को काटने की कोशिश की जा रही है। जिस शख्स को आप वीडियो में देख रहे हैं, उसका नाम है बजरंग सिंह। ये उदयपुर के ढिकली नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते में शामिल सुरक्षा गार्ड है। बजरंग सिंह का वसूली कांड इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बजरंग सिंह देवारी हाईवे को जोड़ने वाले ढिकली मार्ग पर खड़ा होकर वाहन चालकों से 200 से लेकर 500 रुपए तक की वसूली करता था। बजरंग सिंह का वसूली करने वाला कांड एक ट्रक ड्राइवर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, फिर वीडियो वायरल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि उड़न दस्ते ने काफी देर तक हाईवे पर इन वाहनों को रोके रखा, जबकि इनकी गाड़ियों के चालान पहले ही काटे जा चुके थे। बावजूद इसके संविदा पर काम करने वाला सुरक्षा गार्ड हर ड्राइवर से अवैध वसूली कर रहा था। 200 रुपए। बजरंग सिंह का वसूली कांड परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के मोबाइल तक भी पहुंचा, फिर नाक बचाने के लिए बजरंग सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। सवाल तो ये है कि क्या परिवहन विभाग के अधिकारियों को नहीं मालूम कि उनके सुरक्षा गार्ड अवैध वसूली करते हैं, क्योंकि ये तो प्रदेश का बच्चा बच्चा बता सकता है कि ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों की शह पर ही अवैध वसूली का खेल हो रहा है, या फिर सिर्फ बलि का बकरा बजरंग सिंह को बनाया गया है। धीरज रावल, जी मीडिया, उदयपुर। इस दौर के युवा जहां फैशन की दुनिया में व्यस्त है, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो आज भी समाज और बेजुबान जानवरों के लिए काम करते हैं। ऐसी ही एक पहल, एक मुहिम चल रही है राजस्थान के जिले बांसवाड़ा में। देखिए ये रिपोर्ट। जहां आज के युवा जवानी के दिनों को मोबाइल फैशन में निकाल रहे हैं, वहीं कुछ युवक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जवानी बेजुबान जीवों के नाम कर दी। हम बात कर रहे हैं वागड़ बने वृंदावन टीम। पिछले 12 सालों से इस टीम के युवा बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। शुरुआत में इस टीम में 4-5 युवा ही थे, लेकिन इनके काम से प्रेरित होकर आज इस टीम में करीब 50 युवा अपनी सेवा दे रहे हैं। चाहे समय कुछ भी हो, ये युवा सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। 12 सालों में किए गए कामों को देखकर आज जिले का हर इंसान इनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से गायों पे वर्क किया जाता है, जिसमें हम पिछले 11 से 12 वर्षों से बीमार गोवंश को आसपास के 30 से 40 किलोमीटर से बीमार गोवंशों को अस्पताल में इलाज के लिए लाते हैं। जो हमारा अस्पताल में अलग से रूम ले रखे हैं, उनके खाने पीने की, उनकी दवाई की पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं, और उनका उपचार होने के बाद उन्हें गौशालाओं में या फिर ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क दे देते हैं। वागर बने वृंदावन टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप, अजगर और गोरी को रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा है। ये टीम अब तक करीब 700 सांपों को रेस्क्यू कर चुकी है। इतना ही नहीं, बहती नहर और कुएं में फंसी गायों की जान टीम के युवा ने बचाई है। पिछले 12 सालों में टीम ने करीब 2500 से ज्यादा बीमार, घायल और गर्भवती गायों का रेस्क्यू किया है और उनका इलाज करवाया है। शहर में कहीं भी टीम को घायल गाय, बंदर या फिर पक्षी मिलते हैं तो यह उनका रेस्क्यू जरूर करते हैं। हम जैसे अभी मानव कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, जो सरस्वती जागरण मंच के चल रही है, उससे रुधिर संस्था का प्रकल्प चालू किया हमने, जो उसका मैनेजमेंट टीम ने मेरे को सौंपा था। तो आज करीब हमने 4 मंथ से काम चालू किया है। तो जरूरतमंद को ही अपने ब्लड डोनेट करवाते हैं, तो 101 डोनेट ब्लड डोनेट हो चुके हैं 4 मंथ। हमारी संस्था द्वारा सबसे महत्वपूर्ण तो गो सेवा है, जिसमें गायों का रेस्क्यू किया जाता है। जैसे कि अपने गड्ढे में गिर जाना, नदी में गिर जाना, उसका रेस्क्यू किया जाता है हमारी टीम द्वारा। और इसके अलावा मानव सेवा भी की जाती है, जिसमें रक्तदान किया जाता है। इस टीम ने पशु सेवा के अलावा मानव सेवा में भी अहम जिम्मेदारी निभाई है। शहर और आसपास के इलाके में इंसान की लाश मिलने की सूचना
और ये टीम वहाँ पहुँच कर अपने पैसों से पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करवाती है। टीम करीब 7 लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करवा चुकी है। इसके साथ साथ ये लोग रक्तदान के क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रहे हैं। इस टीम ने रक्तदान करने वाले करीब 100 से ज्यादा युवाओं को जोड़ रखा है, जो किसी भी वक्त जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जो दिनचर्या उसमें से कुछ समय निकाल के कुछ 5-5 की टोली बनाकर यह मानव सेवा और जन सेवा करते नजर आ रहे हैं। इस ग्रुप की जो काम करने की जो खासियत है उसकी तारीफ हर कोई करता नजर आ रहा है। कैमरामैन कुणाल त्रिवेदी के साथ अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। किसी की मौत पर शोक का माहौल रहता है, आंखें आंसुओं से भरी होती है, परिजन रोते हैं, सगे संबंधी गमगीन होते हैं, लेकिन हम आपको वो गांव लेकर चलते हैं जहां मौत के बाद रोया नहीं जाता। उस गांव में किसी की मौत के बाद लोग सज धज कर तैयार होते हैं और मौत पर मंगल गीत भी गाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जैसलमेर में मौत के बाद मंगल गीत। शादी की नहीं, मातम की है ये तस्वीरें। बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं का श्रृंगार रस। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मौत हो तो उस पूरे परिवार में गम का माहौल रहता है। परिजन आंखों में आंसू लिए विलाप करते नजर आते हैं और कई दिनों तक परिजन मौत के बाद श्रद्धांजलि में शोक सभा रखते हैं। लेकिन जैसलमेर में मौत के बाद मंगल गीत गाया जाता है। जैसलमेर जिले में किसी की मौत के बाद मंगल गीत गाकर मृतक की याद में 12 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। देश में शायद जैसलमेर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर मौत के बाद उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को पार के नाम से जाना जाता है। इसमें घर में किसी बुजुर्ग की मौत के बाद लगातार 12 दिनों तक घर की महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार कर मृतक द्वारा अपने जीवन काल में भोगे गए सुखों का वर्णन करती हैं। और इन पार गीतों को सुनने के लिए पूरा शहर उमड़ता है। बुजुर्ग जानकारों के मुताबिक अगर घर में कोई बुजुर्ग जब अपनी पूरी उम्र को प्राप्त कर स्वर्ग सिधारता है और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर जाता है तो ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है। और इसी के साथ फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।